हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। इस वक्त सुरक्षित होने की आवश्यकता भी है, बहुत नेसेसरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, यू शुड बी सेफ एंड यू शुड बी एट होम। मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजर ज़रूर से करिए। मैं इस चीज़ को ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत ही गुस्से में, आक्रोश में किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि मैं भी बताइए कि आप ये नहीं बता रही कोरोना कब तक ख़त्म होगा। मैं आपको बता दूं, भारत की मकर राशि है और वृषभ लग्न की कुंडली है, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर देखूं तो इस वक्त जो दशा चल रही है वो राहु की फर्स्ट हाउस में अभी बैठा हुआ है कुंडली में। तो बहुत सारे इसमें चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता दूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घबराने लगे एकदम से कि जो मैं बताने जा रही हूँ, बल्कि आपको इस वक्त सावधानी बरतने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वो ये है कि आपको एक हाथ में सैनिटाइज़र या अपने हाथ में ग्लव्स और आपको अपने डबल मास्क लगा के चलना ही चलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि ये कब तक ख़त्म होगा, उससे आप फिर निकल नहीं पाएंगे, मतलब आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर आपने इन सभी नियमों का कोई पालन नहीं किया, लापरवाही करी हाथ धोने में, सामान घर में अगर आप ले करके आ रहे हैं तो 2 दिन बाद उस पर टच करिए या उसको सैनिटाइज करिए। अगर बहुत इमरजेंसी है तो बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाइए, घर में सामान ला करके उसको पका के आप खाइए। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये सब चीज़ें आप सब भी जानते हैं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे ध्यान से सुनिए, बहुत सीरियस बात है। अगर मैं भारत की कुंडली के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 2020 से जो हम लोगों ने स्थिति देखी, जो अब तक है 21 तक, उसमें अगर आप देखेंगे कि कोरोना अपने नए नए रूप में आ रहा है, स्थिति और भी ख़राब अब होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त राहु की फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, इस वक्त जून के महीने में ग्रहण के बाद भी युद्ध के हालात बन सकते हैं। ये मैं नहीं, भारत की कुंडली कह रही है। चाइना की तरफ से अटैक हो सकता है जून के महीने में 2021 में, इसी साल, जैसे कि 1962 में जैसा हुआ था, वैसे ही ग्रह गोचर, वैसे ही ग्रह बन रहे हैं। इसीलिए हम सभी को इस वक्त ये माहौल है कि बीमारी भी फैलेगी और नए नए वेरिएंट्स इसके आ सकते हैं। अगर हमने इसको अभी नहीं रोका कोरोना को, जो उसके नए वेरिएंट्स जो अभी आएंगे, कम से कम आप ये सोच के चलिए 50,000 इसकी वेरिएंट हम लोग देखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आप लोग उससे बहुत ज़्यादा आक्रोश में आके पूछ रहे हैं कि ये कब तक रहेगा, ये 2020 से 2030 तक रहेगा। जी हाँ, 10 साल तक। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं, आपको सावधान करने के लिए बोल रही हूँ। अलर्ट हो जाइए अभी से ही, 2020 से लेके 2030 तक, 2030 तक, यानी कि अब 2020 हमारा निकल चुका है, 21 चल रहा है, 9 साल हम लोग को अभी और इसको झेलना होगा। अलग अलग बीमारियों के रूप में अलग अलग वेरिएंट्स हमें इसको देखने को मिलेंगे। 9 साल, 1 साल आपका निकल चुका है। 9 साल के लिए आपको अपने हाथ में हमेशा सैनिटाइजर, हमेशा मास्क, अपने घर को क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन रहिए। बाहर से अगर घर आ रहे हैं तो जो भी आपने वस्त्र पहन रखे हैं उसे धोने फौरन डाल दीजिए, भले ही वो 1 टाइम पहने हुए हो, तभी आप अपना बचाव कर पाएंगे। इम्यूनिटी अपनी बढ़ा के रखिए। ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इसको प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा था, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मुझसे ये चीज़ पूछी हुई है और कमेंट बॉक्स में भी किसी ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा हुआ था कि मैम आप कोरोना के बारे में नहीं बता रही हैं, आप जो है अदर चीज़ों से बता रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये 9 साल तक आपके सामने कोरोना के अलग अलग नए नए वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जून का महीना अगर मैं बात करूं, सूर्य ग्रहण के बाद 10 जून
के बाद इंडिया की सिचुएशन जून में ऐसी रहेगी कि ये वेरिएंट अगर आप रोक सकते हैं तो रोकिए, वरना मुझे ऐसा जहां तक लगता है कि चाइना की तरफ से अटैक निश्चित है, क्योंकि कुंडली अगर मैं बात करूं तो वहां पे ऐसे ग्रह बन रहे हैं जो 1962 में आपने जो युद्ध देखा था चाइना का, चाइना और इंडिया के बीच में जो अटैक किया था चाइना ने, वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें पाकिस्तान भी आगे पीछे कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हुए आपको दिखेगा। युद्ध जैसे हालात भी हैं, बीमारी भी फैलेगी, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके, मैंने बताया था रीडिंग्स में भी बताया था कि नरेंद्र जो मोदी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं हल्का सा डगमगा सकता है। मई के महीने मैंने बताया था, अब जून में मैंने भी बताया था कि प्रेडिक्शंस निकाल के कोई उनके मनोबल को गिरा भी सकता है, कोई जना उन जैसे होता ना इंडिया में आ जाना, तो उनके मनोबल को कौन गिराएगा? कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना, कोई आसपास की कोई कंट्री ही होगी या कोई कहीं का प्रेसिडेंट होगा जो उनके मनोबल को गिराना चाहेगा। अब आप सोच के देखिए कि इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है इस वक्त। हर सिचुएशन को किस तरीके से उन्हें संभाल रखा है, वो संभालेंगे, ये एक अलग विषय है कि वो कब तक बने रहेंगे पीएम हमारे, कब तक हम उनसे प्रॉफिट लेते रहेंगे। इसीलिए इस विषय को छोड़ दीजिए अभी कि वो कब तक रहेंगे, अभी वही हैं तो उन्हीं के साथ चलिए, यही सही तरीका है। क्योंकि इस वक्त जो ग्रह बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे इंडिया में, जैसे कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयों की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, वैक्सीन को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा टेंशन है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, जहाँ है कहीं आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कहीं कहीं वेस्टेज हो रहा है, कहीं उसका मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, इस तरह की कंट्रोवर्सी आपको दिखेगी। और जून के महीने में ये सबसे ज़्यादा होगा, युद्ध के हालात भी होंगे और हम बीमारी से भी जूझ रहे होंगे, तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। प्लीज़ 9 साल तक आपको अपने पास सैनिटाइज़र और मास्क ये आपके पास होना ही चाहिए। बाकी प्रिकॉशंस आयोग की तरफ से दिए जा चुके हैं पहले भी, उन्हीं को हमको फॉलो करना है। आई थिंक ये मैसेज आप और लोगों को भी बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग सोचें कि 2021 में ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2021 में थोड़ा सा समय कठिन है, जून का महीना कठिन है, आने वाला जो सितंबर का महीना है उसमें आपको कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से नया वेरिएंट आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे अभी, लेकिन सितंबर का महीना प्लीज़ थोड़ा सा उसमें कैजुअलिटीज हो सकती हैं। इसीलिए ये जो गैप हो रहा है जुलाई अगस्त, जून के बाद जुलाई अगस्त के बीच में इन्फेक्शन फैलेगा, फिर हम सब जानते हैं कि हर 14 दिन बाद, 14 दिन के अंतराल में ये अपना इन्फेक्शन, या कई कई लोगों में बॉडी में जैसी बॉडी होती है उसकी इम्यूनिटी को तोड़ता है, कई कई 1-2 महीने लग जाते हैं उसको इन्फेक्ट करने में। तो ध्यान रखिए कि जुलाई अगस्त का जो महीना है इस समय तो आपको इन्फेक्शन फैलते हुए नजर आएगा, सितंबर में कैजुअलिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो जून का महीना बहुत टेंशन वाला है, उसके बाद आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर मैंने बताया क्या होगा, और सितंबर के बाद फिर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में, जब इतना आप झेल लेंगे तब लोगों को समझ में आएगा, अक्टूबर नवंबर में समझते समझते ही निकल जाएगा समय, और चीज़ें जो है तब वो 2022 में जा कर के समझ पाएंगे, जो लोग जिंदा बचेंगे वो लोग जैसे होता है ना, अब सीरियस हो गए कि हाँ हमको मास्क पहनना है, हाँ हमको जो है सैनिटाइज़र लगा हाथों में लगा के चलना है, या सही चीज़ों को जो घर में सामान आया उसको फॉरन सैंड, ये एक पैटर्न बन जाएगा, ये एक लाइफ का हिस्सा बन जाएगा 2022 में। अगर क्योंकि अभी 6-7 महीने आप देखिएगा इसमें बहुत लोग लापरवाही करेंगे, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इस सब चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए, और अगले 9 साल तक हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, वेरिएंट्स 50,000 इसकी अभी और आएंगे। 2032 में इंडिया की कुंडली में कुछ चेंज नज़र आएगा,
जिसे हम कहते हैं कि कुंडली में एक बहुत बड़ा बदलाव होना, एक नई तरह की कुंडली हमें देखने को मिलेगी। तो 30 के बाद की अलग प्रोसेस है, वो मैं फिर कभी डिस्कस करूंगी, लेकिन कोरोना को लेकर प्रश्न था वो मैंने आपको बताया। इस दौरान आपको घबराना नहीं है, दवाइयाँ जो नीडेड हैं, पैरासिटामोल, विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स, डॉक्टर के संपर्क में रहिए। और डॉक्टर्स भी देखिए, डॉक्टर्स भी ऐसा है कि वो खुद भी रिसर्च कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, घर में ही रह के भाप लेते रहिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। फलों में आजकल आपके पास केला है, सेब है, कीवी है, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, क्यों नहीं उसका सेवन करते हैं आप लोग, सेवन करिए उसका, उसको खाइए। घर में ही आप अपने खाना बनाइए, आपको बाहर जैसा खाना अगर चाहिए है तो छोला भटूरा घर में ही बना लीजिए, या मोमो है घर में ही बना लीजिए, खा लीजिए, लेकिन बाहर का इसका बिल्कुल भी मत खाइए। अगर खाना ही है तो बहुत मजबूरी है, जो लोग वर्क कर रहे हैं तो हाथ सैनिटाइज करके कायदे से, बहुत मजबूरी है अगर तो, बहुत मजबूरी है तो, अदरवाइज मुंह पे मास्क और सैनिटाइजर 9 साल तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको मेरे जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा होते, इतने आक्रोश में आकर के कोरोना आप नहीं बता रही कब तक खत्म होगा, मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि इसमें कई लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं, घरों में अभी भी लोग इन्फेक्शन से अभी जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, अपने लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, इस वजह से मैं इसको ओपन नहीं कर रही थी, वरना ये चीज़ है। लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है, इसको आपको क्या करना चाहिए, इसको आप अपने जहन में डाल लें कि ये आपको कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, घरों में सुरक्षित रहना है, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ चीज़ नहीं, जो करना है सुरक्षित औरों को भी बनाना है और अपने आप को भी बनाना है, घर में रह के हाथ सैनिटाइज करके, साफ करके अपने हाथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई